गाजीपुर में आवासीय कॉलोनी में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। महिलाएं हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर शराब की दुकान के सामने पहुंची और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला सदर कोतवाली के नौकापुरा इलाके का है, जहां मोहल्ले के बीच शराब की दुकान खोली गई है, जिससे आए दिन शराबी वहां उत्पात मचाते हैं और महिलाओं पर अभद्र कमेंट भी करते हैं, जिससे यहां के निवासियों को काफी दिक्कत हो रही है। इस मामले की शिकायत मोहल्ले वालों ने जिला प्रशासन से की थी, लेकिन इसका जब कोई हल नहीं निकला तो मोहल्ले की औरतों ने मोर्चा संभाल लिया और शराब की दुकान के सामने पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन सर हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नौकापुरा में शराब की दुकान खोली जा रही है, जो आने वाले भविष्य में हम लोगों के लिए बहुत घातक है। हम सारी औरतें यहाँ पर सब्जी लेने के लिए आएंगे और यहाँ पर सब शराबी बैठकर हम लोगों के साथ बदसुल्की व्यवहार करेंगे और ये सब हम लोगों को कतई पसंद नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर शराब की दुकान बंद की जाए। जब इस मामले की भनक पुलिस को लगी तो पुलिस आनंद फानन में मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत कराया और पुलिस के शराब की दुकान को जल्द हटाने के आश्वासन पर महिलाओं ने प्रदर्शन को बंद किया। न्यूज़ आई के लिए गाजीपुर से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।